कल 16 फरवरी को पूरे देश के सेंटर के स्टेट के कर्मचारी और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मजदूर और किसान ये सब हड़ताल और भारत बंद करने जा रहे हैं अगर पॉपुलेशन और वर्कलोड के हिसाब से देखेंगे तो करीब एक करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं ताली बजवाई थाली बजवा दी एक दिन बत्ती भी गुल करा दी मतलब ये जो टोटकेबाजी जो की लेकिन उनकी नौकरियों को पक्का नहीं किया मतलब उनको जो सुरक्षा किट चाहिए थी वो नहीं दी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था इसके बाद भी हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाने का काम किया जो ये कहते थे कि सौगंध मिट्टी खाते देश को नहीं बिकने देंगे आज रेल तेल भेल बैंक बीमा पोर्ट एयरपोर्ट बिजली सब कुछ ही तो मतलब प्राइवेट हाथों में जा रहा है और मतलब बिजली का उत्पादन में बहुत सारे प्राइवेट खिलाड़ी आ रहे हैं प्रोडक्शन को कर रहे हैं ओपन मार्केट है सरकार बिजली उनसे खरीद रही है तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे को सौ रुपए पर यूनिट पीक लोड आवर में यानी कि 6 से दस ग्यारह बजे तक जो कंजम्पशन ज्यादा होती है तो हम रेट ज्यादा लेंगे सुबह आपकी कंजम्पशन नहीं है हम कम रेट लेंगे और हमारी सरकार भी कह रही है कि यार ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि सुबह भी वही रेट दोपहर को भी वही रेट शाम को भी रेट सुबह कम होना चाहिए क्योंकि कंजम्पशन नहीं है अब लोग ताली बजाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है लेकिन उन्होंने निन्यानवे रुपए निन्यानवे रुपए के लिए बोला और सरकार ने पचास रुपए पर यूनिट ओपन मार्केट से खरीदने के लिए पीक लोड आवर में देने का फैसला कर दिया नमस्कार मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर व्यू एफ स्टूडियो के पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है और आज हमारे जो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो पहुँचे हैं वो हैं सुभाष लांबा जी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं बहुत साल मजदूरों के लिए कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया है उन्होंने और आज हमारे स्टूडियो में हैं बात करेंगे उनसे लांबा जी सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत शुक्रिया जी आपका भी तो आज क्या बड़ा मुद्दा है लांबा जी जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं आज जिस पर बड़ी बात कर रहे हैं आज कल 16 फरवरी को पूरे देश के सेंटर के स्टेट के कर्मचारी और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मजदूर और किसान ये सब हड़ताल और भारत बंद करने जा रहे हैं ये मुद्दा है आज प्रमुख मुद्दा जिस पर हम बातचीत करेंगे क्या है क्यों कर रहे हैं क्या मांगे हैं हाँ मांगे तो अलग अलग हैं जैसे हम देखेंगे कि 2013 में जब ये कैंपेनिंग हो रही थी लोकसभा के चुनाव की तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था लोगों को भरोसा दिया था कि अगर हम सत्ता में आए तो दो करोड़ नौकरी हर साल हम देंगे तो दस साल हो गए साहब तो बीस करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन पिछले ही बजट सेशन में पिछले साल के में सरकार ने पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया कि हमने सात लाख दस हजार नौकरियाँ दी हैं और ये भी अनाउंसमेंट साथ की कि हम में चुनाव से जाने से पहले दस लाख नौकरी और देंगे तो दस और सत्रह सत्रह लाख दस हजार नौकरी दी हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं बीस लाख दी वायदा दो करोड़ का हर साल था यानी बीस करोड़ मिलनी थी मिली बीस लाख तो यह भी उनकी गारंटी थी जी लेकिन ये गारंटी तो पूरी नहीं हुई जो आज गारंटी दे रहे हैं ये गारंटी तो पूरी नहीं हुई जी दो करोड़ नौकरी की दूसरा इशू हमारा इसमें ये है इसी विषय में कि हम ये चाहते हैं कि आज सेंट्रल और स्टेट प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगर पॉपुलेशन और वर्कलोड के हिसाब से देखेंगे तो करीब एक करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं एक करोड़ ये बड़ा अचंभे वाली बात है और हम देख रहे हैं कि पैंतालीस साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी है हर तीसरा आदमी बेरोजगार है तो एक करोड़ को तो नौकरी दे सकते हैं हम लेकिन वो नहीं दे रहे नौकरी दे भी रहे हैं टाइम गैप अरेंजमेंट के नाम पर कैसे दे रहे हैं आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट डेलीवेजिस आदि आदि नामों से और एक तो नया नाम अब और आ गया है अग्निवीर अग्निवीर चार साल के लिए पिताजी बाद में रिटायर होकर के आएंगे बेटा जी पहले रिटायर होकर के आ जाएगा तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये पोस्ट वैकेंट हैं आपके पास भयंकर बेरोजगारी है तो आप इन पोस्टों को क्यों नहीं भर रहे हैं जो वायदा किया था आपका वो भी पूरा हो जाता मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे सरकारी कर्मचारी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो लोगों को भी कई बार ये लगता है कि फाइल इधर से उठाकर दूसरी मेज़ पर रखने के लिए सरकारी कर्मचारी जिन्हें परमानेंट कहते हैं आप वो नियुक्त किए जाते हैं तो तनख्वाहें अस्सी अस्सी हज़ार नब्बे नब्बे हज़ार रुपया केवल इस बात के लिए दिया जा रहा होता है कि फ़ाइल यहाँ से उठा के वहाँ रखवा दो पानी पिला दो चपरासी की पोस्ट पर भी अस्सी अस्सी हज़ार रुपया तनख्वाहें हो जाती सर, हैं ये जो और प्राइवेट सेक्टर से जब लोग इसकी तुलना करते हैं तो उन्हें कहीं महसूस होता है कि जो काम पंद्रह हज़ार रुपये में प्राइवेट सेक्टर में आदमी कर रहा है वो सरकार उस काम के लिए कहीं अस्सी हज़ार रुपये खर्च कर रही है ये सवाल है मेरा लंबा जी नहीं नहीं अच्छी बात है ये सवाल आपके पास जो सवाल आते हैं भारद्वाज निश्चित तौर से पब्लिक से ही आते हैं जी लेकिन उस पब्लिक को पता नहीं है कि खेल क्या हो रहा है यहाँ ग्रुप डी के कर्मचारी कोई या थ्री कर्मचारी को अस्सी हजार पैसे नहीं मिलते हैं ठीक है ना ये अगर ग्रुप डी को हम देखेंगे तो लगभग बीस बाईस हजार उसको सैलरी मिलती है और और भी नीचे कर्मचारी हैं उससे भी नीचे तो वो अस्सी हजार वाला कंसेप्ट खत्म दूसरा जो आप कह रहे हो ना फाइल इधर से उधर सर आज फाइल का जमाना तो चला गया आज तो ऑनलाइन है सारा सिस्टम वहां जवाबदेही तय होती है मालूम पड़ेगा कहाँ फाइल है तो वो जो फाइल इधर उधर करने वाला सिस्टम तो जा चुका आज प्रेसर इतना है कि आप सरकारी ऑफिस में जा के देखिए ये हमारा ओपिनियन हम आपको कह रहे हैं वो पब्लिक का था शनिवार इतवार की छुट्टी होती है ऑफिस खुले मिलेंगे पाँच बजे ऑफ हो जाता है उसके बाद भी खुले क्योंकि वो जो आठ से पाँच बजे ड्यूटी वाला है ना वो सो कंसेप्ट खत्म हो गया है अब तो ठेका सा हो गया ये काम तो करना ही करना पड़ेगा अदरवाइज जवाब देते हो रही है तो इसलिए ये कहना कि भाई परमानेंट कर्मचारी मतलब है और ये जो तनख्वाह कम है इसलिए ये लगा रहे हैं परमानेंट भर्ती नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है एक बात दूसरा हमारे बड़े साहब ने ये थोड़ी कहा था हम ठेके पर नौकरी लगाएंगे उन्होंने ये कहा था कि दो करोड़ हर साल पक्की नौकरी देंगे तो उसको क्यों नहीं दे रहे तो इसलिए ये पूरी तरीके से न्याय संगत बात नहीं है और रेगुलर इंप्लाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी डेली वेजेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तय तो इसलिए अगर पब्लिक को बेटर सर्विस देनी है संतोषजनक सेवाएं देनी है तो इन पदों को भरना पड़ेगा और कोविड 19 ने क्या साबित किया जिसकी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत है प्रति व्यक्ति आए हुए अस्सी हजार पैंतीस अरब यूएस डॉलर है अमेरिका की सबसे हथियार भी उसके पास है सबसे ज्यादा कैजुअलिटी वहां क्यों हुई और यहां जो एक करोड़ पॉपुलेशन है और यहां कब कैजुअलिटी क्यों हुई इसीलिए हुई कि यह जो सरकार नब्बे इक्यानवे से जिसकी भी सत्ता में रही है सेंटर में ये जो सरकारी सेवाएं हैं पब्लिक सेक्टर है इसको प्राइवेट करने की ताकत लगाई और हमने दो दर्जन से ज्यादा हड़ताल करके इसको रोका और कोविड नाइन्टीन में इस बात का पता चला कि अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं होता आप इस शहर के नागरिक हैं बहुत पुराने हैं अगर ये मेडिकल कॉलेज बीके हॉस्पिटल नहीं होता तो प्राइवेट में क्या हाल था लूट लूट के एक एक कुर्सी एक एक बेड दस दस लाख रुपए में जा रहा था जब डब्ल्यू एच ये कह रहा है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं तो तीस लाख रुपए किस बात के लिए आपसे बोलिए आप सरकार ने कोई तय किया उल्टा सरकार ने रेट तय कर दिए छोटे छोटे हॉस्पिटलों की भी मौज आ गई कि सरकार ने तय कर रखा है पाँच हज़ार रुपए इसके रूम के लेने हैं तो यही हॉस्पिटल थे जो मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल और हमारी मेडिकल पैरामेडिकल बिजली तमाम प्रकार के कर्मचारी उस कोरोना में लड़ रहे थे अपनी जान जोखिम में डाल करके इसीलिए कहा यह कोरोना योद्धा है ताली बजवाई थाली बजवा दी एक दिन बत्ती भी गुल करा दी मतलब ये जो टोटकेबाजी जो की लेकिन उनकी नौकरियों को पक्का नहीं किया मतलब उनको जो सुरक्षा किट चाहिए थी वो नहीं दी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था इसके बाद भी हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाने का काम किया उससे ये साबित हुआ कि कोरोना जैसी महामारी हम और पब्लिक को बेटर सर्विस देनी है तो इन सरकारी विभागों को मजबूत करो लेकिन हुआ क्या हुआ, हुआ ये कि प्रधान सेवक जी ने कहा कि आपदा को अवसर आप में बदलो आपदा को अवसर बनाया बिल्कुल ठीक बात आपदा को अवसर में बदला और नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी उसको लेकर के आ क्या है एनएमपी एनएमपी ये है बिल्कुल डंके की चोट पे गया कि अब हम ये जो पीएसयूज हैं इनके शेयरों को बेचेंगे और साढ़े छह लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे पहले ऐसी बात कहने में बहुत पंगा होता था लेकिन अब क्योंकि न्यू इंडिया है बाहरी मेजोरिटी में सरकार है तो उन्होंने कहा और अब वो क्या रहा है जो ये कहते थे कि सौगंध मिट्टी खाते देश को नहीं बिकने देंगे आज रेल तेल भेल बैंक बीमा पोर्ट एयरपोर्ट बिजली सब कुछ ही तो मतलब प्राइवेट हाथों में जा रहा है और अगर ये उस तरीके का बेटर होता तो ये जो प्राइवेट इतना बढ़िया होता तो ये सारे के सारे कितने सारे हम कारखाने गिना सकते हैं आपको आप फरीदाबाद के नागरिक हैं ये बंद क्यों हो गए अगर इतना होता तो और हालत हमारी पब्लिक कंसेप्ट बन रहा है ना वो क्या बन रहा है प्लस टू तक तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन प्लस टू के बाद में हमारे को सरकारी कॉलेज चाहिए hmm. अगर कोई रिश्ता भी ढूंढना पड़ेगा लड़की के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए इलाज अगर करवाना होगा तो मेरा एम्स में नंबर आ जाएगा ऑपरेशन का तो मैं वहाँ कराऊंगा यहाँ नहीं कराऊंगा तो जब इतनी विश्वसनीयता है इस पब्लिक सेक्टर की सरकारी ढांचे की तो किसने कहा अभी इसको मतलब आप प्राइवेट कर दो सरकार कोई मालिक थोड़ी है कस्टोडियन है इसकी देखभाल के लिए है उसको नौकर इसको कोई अधिकार नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी सारा तो इस हड़ताल का मुद्दा है कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इसको प्राइवेट करने के बजाय इसको मजबूत करो जनता को बेटर सर्विस दो तो जाकर के मतलब सर्विस दी जा सकती है अदरवाइज नहीं दे सकते एक और मुद्दा है जी और मुद्दा क्या है कि बिजली का जैसे मुद्दा है आपको मालूम है कि दो में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया उससे पहले जितने भी हमारे बिजली कानून थे वो सारे के सारे खत्म हो गए वो तीन अस्तित्व में आ गया जी और उस टाइम ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी कोई पावर कट नहीं होगी रेट सस्ता होगा ठीक है कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट नहीं होगी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आज क्या हुआ आज ये हुआ कि जो घाटा था वो बढ़ गया पब्लिक की गवेंसी बढ़ गई बिजली का टैक बढ़ गया मतलब सभी तरीके से देखेंगे जैसे अब करंटली है एडवांस कंजम्पन डिपोजिट आ गया बिजली चार्ज से अलग वो आ गया सारी चीज़ें रेट बढ़ा दी लेकिन उसके बावजूद भी घाटा बढ़ रहा है शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है अब क्या कर रही है सरकार अब सरकार यह कह रही है कि हम बिजली अमेंडमेंट बिल ले आएंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन लेकर के आ रहे हैं क्या संशोधन संशोधन कर अब रहे हैं। वो संशोधन क्या है वो संशोधन यह है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो आपके यहां बिजली आ रही है एक हमारा होगा प्रोडक्शन एक होगा ट्रांसमिशन उसमें बिजली बनेगी ट्रांसमिशन होकर के आएगी और फिर उस बड़ी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफार्मर में चेंज करेंगे और हमारे घरों में आएगी अब वो ये करें डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हम प्राइवेट लाइसेंस देंगे प्राइवेट hmm. लाइसेंस देंगे मतलब इस अब हमारे पास डीएच और यूएच UH, अगर हरियाणा के संदर्भ में मैं बात करूं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दो के पास है और किसी के पास नहीं है केवल ये दो कंपनियों के पास है अब वो ये कह रहे हैं कि इनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए हम इनके बराबर में प्राइवेट लाइसेंस ही लेकर के आएंगे उनको भी लाइसेंस देंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे दूसरा क्या करें है? कि जो सब्सिडी है क्रॉस सब्सिडी है उसको खत्म करेंगे जिसको बिजली चाहिए पूरा दाम देना पड़ेगा और अब वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ बिल विरोध हो गया सड़कों पर आगे स्टैंडिंग पड़ा है, लेकिन सरकार को इतनी जल्दी है कि इंतजार नहीं कर सकते भाई जो तुम कह रहे हो कि हम तीसरी बार भी हम ही आएंगे तो इंतजार कर लो थोड़ा सा उस बिल को बाद में पास करके कर, लागू कर देना। लेकिन उससे पहले ही वो जो सो कॉल्ड पूंजीपति हैं उनके दबाव में क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करता है वो रिटर्न भी चाहेगा hmm. और वो इसमें ऐसी रिटर्न है इन्वेस्टमेंट जीरो है और इनकम ही इनकम है कैसे है ये जो हमारी लाइनें हैं सब स्टेशन है ट्रांसफार्मर है इन सब का इस्तेमाल प्राइवेट करेगा उधर से अब ग्रेड ग्रिड है सारा सिस्टम आपको टेक्निकल भाषा में शायद जानकारी थोड़ी बहुत होगी गुजरात से बिजली डालो यहां निकाल लो कहीं से डालो कहीं से निकाल लो ऐसा है तब तो वो करेगा हम ये उनको प्राइवेट लोगों को इस काम में लेकर के आ रहे हैं और उससे पहले उनकी चिंता हो रही है कि उनको तकलीफ ना हो जाए अब ये जो मीटर हैं जो आपके घर में लग रहे हैं इनको बदल रहे हैं ठीक मीटर चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है और ये छह बार बदले हैं उसके बाद कहे कि ये मीटर ठीक है अब कहे नहीं साहब इसको बदलेंगे अब इसको स्मार्ट मीटर लगाएंगे अब तक हमने देखा था भाई बड़ा स्मार्ट तो इनके बारे में भी तो यही कहा जाता था कि ये स्मार्ट मीटर हैं और ये मीटर ये कहा गया था कि इससे बिजली की चोरी नहीं हो सकती घर के बाहर लगाएंगे घर के ले बाहर लगाएंगे अंदर चोरी होती है बाहर लगाएंगे सारा कुछ किया अब वो करें साहब इनको बदल रहे हैं प्रीपेड ले रहे स्मार्ट मीटर ले रहे हैं स्मार्ट मीटर को प्रीपेड कर रहे हैं अच्छा। प्रीपेड का मतलब जैसे फोन हमारा है, है एडवांस में आप पैसा कूपन चार्ज कराओ तो बिजली जलेगी आपकी आप सो गए उठोगे आपने मैसेज नहीं देखा तो बिजली कट गई फिर काटने के फिर जोड़ने के भी पांच सौ रुपये आपसे और लेंगे फिर उसको जोड़ेंगे और सौरभ जी सवाल इतना ही नहीं है सवाल जो नई टैरिफ पॉलिसी आ रही है मतलब प्राइवेट कंपनियों ने क्या बोला एक हमारा मतलब बिजली का उत्पादन में बहुत सारे प्राइवेट खिलाड़ी आ रहे हैं प्रोडक्शन वो कर रहे हैं ओपन मार्केट है सरकार बिजली उनसे खरीद रही है तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे को सौ रुपये पर यूनिट पीक लोड आवर में यानी कि छह से दस ग्यारह बजे तक जो कंजम्पशन ज्यादा होती है तो हम रेट ज्यादा लेंगे सुबह आपकी कंजम्पशन नहीं है हम कम रेट लेंगे और हमारी सरकार भी कह रही है कि यार ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि सुबह भी वही रेट दोपहर को भी वही रेट शाम को भी रेट सुबह कम होना चाहिए क्योंकि कंजम्पशन नहीं है अब लोग ताली बजाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है लेकिन उन्होंने निन्यानवे रुपये निन्यानवे रुपए के लिए बोला और सरकार ने पचास रुपए पर यूनिट ओपन मार्केट से खरीदने के लिए पीक लोड आवर में देने का फैसला कर दिया अब सुबह आप, आप दो रुपए दे दोगे और शाम को अगर पचास रुपए चालीस रुपए पैंतीस रुपए पर यूनिट आ जाएगी तो क्या हालत होगी और अगर ये क्यों कर रहे हैं जो आपने सवाल किया था वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे सरकार को उनकी चिंता है अब आप कहेंगे के भाई उनकी चिंता कैसे है वो रिकवरी कैसे करेंगे लोग कहते थे भाई प्राइवेट आदमी आएंगे रिकवरी कैसे कर लेंगे बिलों की आपके घर में टेलीविजन लग रहा है और बॉक्स वाला कोई बिल लेने आता है मैसेज आता है ना इसमें भी मैसेज ही आएगा और सारा आपका जो डेटा है वो प्राइवेट कंपनी के पास होगा किस टाइम कितनी कंजुमशन की है और आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जिसके पास डाटा है इंफॉर्मेशन है वो बहुत ताकतवर है तो इसलिए पहले टेर पॉलिसी चेंज करी पुराने मीटर चेंज करे पूरा सिस्टम लेकर के आए ताकि उस व्यक्ति को जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और फिर मजेदार बात यह है कि ये जो सारा सिस्टम हमारा है इसका इस्तेमाल करेंगे वो और वो क्या करें हैं कि हम बिलिंग चार्जेस देंगे कुछ तय कर लेंगे छोटा मोटा अब सौरभ जी आप बढ़िया गाड़ी लेके आओ पंद्रह बीस लाख की हालांकि आप पंद्रह बीस लाख की नहीं लाएंगे क्योंकि उस तरीके से पूंजीपति नहीं आप लेकिन मान लो ले आओ तो मैं कहूँगा सौरभ जी बड़ी अच्छी गाड़ी है मुझे दे दो जो आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से मैं दे दूंगा आप कहोगे अच्छा मूर्ख आदमी तेरे ले ले आऊँगा ये ठीक वही बात कह रहे हैं कि जो आपका ये पूरा नेटवर्क है ये हमारे को इस्तेमाल के ले दे दो और हम थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज आपको इसका दे देंगे तो ऐसे ही तो बी को मार दिया था में आ रहा था। बीएसएनएल भी यही बोला था कि हम बीएसएनएल के मुकाबले में वोडाफोन एयरटेल आइडिया लेकर के आएंगे मुकाबला होगा कंपटीशन होगा आपको फायदा होगा उसको मारने के लिए क्या हुआ उनके पास थ्री था इनके पास फोर था बी एस में हमारी यूनियन है वो आंदोलन करते रहे फोर दे दो हमने मुकाबला करना है दिया नहीं जी, दूसरी एक जस्ट एक उसको आई बेटा फोन एयरटेल को स्थापित कर दिया उसके कंज्यूमर चले गए फिर क्योंकि एक बड़े आदमी को बलाइज करना था फिर उसके मारने के लिए फिर वो जियो दे दना आ दना गया डेढ़ साल तक कोई पैसा नहीं लिया और यहां तो फ्री में मिलेगा तो पैसा क्यों देगा फिर वोडाफोन एयरटेल वो भी सब गोल हो गए फिर एक छत्रराज मोनोपली बी उसकी रिलायंस की हो गई अब वो जो दो सौ निन्यानवे रुपए वाला था वो चला गया पहले इनकमिंग आती रहती थी अब आ सकती है क्या ऐसे ही बिजली के सेक्टर में इस प्राइवेट सरकारी संस्थाओं को मारने के लिए इन सब लोगों को प्राइवेट लेकर के आ रहे हैं और बड़ी मजेदार बात इसमें एक और भी है कि जैसे किसको बिजली देंगे वो अधिकार कंज्यूमर का नहीं है कि मैं किससे बिजली लूंगा वह अधिकार उस प्राइवेट लाइसेंसी का है कि किसको बिजली देंगे तो वो पिक करेंगे कौन सा सेक्टर पंद्रह है उसको दे देंगे गांव में वाले में क्यों देंगे छह गांव में क्यों देंगे उसमें ये लिख रखा है कि जिसको कोई बिजली नहीं देगा जैसे किसान है हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस उसको दे रहे हैं क्योंकि किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है सब्सिडी भारी सब्सिडी दे रहे हैं वो करें सब्सिडी खत्म हो जाएगी अगर सब्सिडी खत्म होती है तो साढ़े सात आस पाव की मकर मोटर चलती है छह घंटे चौंतीस यूनिट खर्च होती है चौंतीस यूनिट खर्च होगा और वो जो रेट दे रहे हैं सोलह परसेंट प्रोफिट लागत हमारी सात रुपए पैंतालीस पैसे है सोलह रुपए उस पर सोलह परसेंट प्रॉफिट के लगभग दस रुपए के करीब चलाएगा चौतीस यूनिट है दस से गुणा कर दो और गुणा तीस से कर दो दस हजार दो सौ रुपए साढ़े सात आसपार का उसका किसान का बिल आएगा क्या भर सकता है क्या किसान भी बर्बाद होगा कर्मचारी बर्बाद होंगे इंजीनियर बर्बाद होंगे और पूरी तरीके से यह सिस्टम लेकर के आ रहे हैं जिसमें बड़ा मुद्दा है इस हड़ताल को लेकर के इसको रोक लगाई जाए लंबा जी हम बात करते हैं कि लोक कल्याणकारी सरकार लोक हित के लिए लोक कल्याण के लिए बनी हुई सरकार और ऐसे में बिजली जैसा जो अवयव है जो चीज़ है जिसके बिना आज मॉडर्न युग में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती मतलब एक पल को पानी के बिना आप सरवाइव कर जाएंगे लेकिन बिजली के बिना सरवाइव करना लगभग असंभव है ऐसे में आपको नहीं लगता कि बिजली को बजाय सरकारी प्राइवेट हाथों में देने के निजी हाथों में देने के सरकारी हाथों में ही इसको रखा जाना चाहिए क्योंकि नो प्रॉफ़िट नो लॉस पर इसको चलाया जाना चाहिए ऐसा है ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया हमारा देश वेलफेयर स्टेट है कल्याणकारी राज्य है। जी कल्याणकारी राज्य में पब्लिक को सुविधाएं देना वो सरकार का काम है जी और इसी कंसेप्ट के साथ ये सारे सरकारी विभाग खड़े हुए करोड़ों लोगों को नौकरियाँ मिली जनता को बेटर सर्विस मिली आत्मनिर्भर हुए एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया से अनाज मंगवाते थे जी बिल्कुल हमने सस्ती बिजली दी तो किसान अनाज पैदा किया आज हम एक्सपोर्ट करते हैं पहले इंपोर्ट करते थे इंडस्ट्री का विकास हुआ एक पूरे ढांचा खड़ा हो गया हमारा और इतना ही नहीं है जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम भी ये छोटे छोटे पूंजी के मालिक थे इनको बोला था कि आप सरकारी ढांचा खड़ा करो इनको इन्हों का हमारे पास पैसा नहीं है हम इन्वेस्ट कर दें फंस के खड़े हो जाएं तो मना कर गए लेकिन आज जब पूरा ढांचा खड़ा हो गया तो तब गीत जैसी दृष्टि लगी हुई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सरकार का, का काम बिजनेस करने का नहीं है ये वेलफेर स्टेट है अब वो तो वो बता सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है लेकिन बिजनेस करने का मतलब क्या मतलब क्या होता है बिजनेस ना करना सरकार बिजनेस नहीं करेगी मतलब बिजली हम देंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर से देंगे ट्रांसपोर्ट देंगे हम प्राइवेट सेक्टर से देंगे एजुकेशन देंगे प्राइवेट स्कूलों से देंगे ये जो सारा कंसेप्ट पूरी तरीके से बदल दिया ना इसके पीछे वही कारण है निश्चित तौर से वेलफेयर स्टेट में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रदान करने का काम सरकार का है लेकिन इस विचार से सरकार पीछे हट करके पूरी तरीके से अब बाजार के हवाले सब कुछ किया जा रहा है इसमें जो गरीब लोग हैं वो निश्चित तौर से उसके सामने दिक्कत आएगी और अगर ये बिल पास होगा तो गरीब और किसान की पहुँच से बिजली बाहर हो जाएगी लांबा जी जो एक आम आदमी समझता है बिजली के आ, या आप कह लें बाज़ार की स्थिति को एक आम आदमी समझता है तो वो इस तरीके से समझता है कि बाज़ार में चार दुकानें हैं और आप चार दुकानों के पास कोई चीज़ उपलब्ध है आप वहाँ जाते हैं और आप जाकर चार दुकानों से मूल्य पूछते हैं और जो आपको सस्ता या उचित लगता है आप अपना खरीद लेते हैं ये तो इसे कहते हैं कि आपका खुले बाजार में आपकी कोई चीज उपलब्ध है अब यहां तो तंत्र तो सरकार का होगा और बिजली दे रही होगी सरकार दे रही होगी सरकार के तंत्र पर काम कर रहे होंगे और एक कंपनी आ जाएगी उसमें कोई ऐसा तो नहीं होगा कि टाटा की एक लाइन है एक लाइन रिलायंस की है एक लाइन अडानी की है और उनमें से किसी की आप किसी एक से बिजली लेना चाहें तो आप उससे बिजली ले सकें वो तो सरकार के तंत्र पर ही जो सरकार निर्धारित कर देगी बिजली की दरें दरों पर प्राइवेट आदमी बिजली बेचेगा नहीं ये तो मैंने बताया आपको कि कई सारे लाइसेंस आएंगे और रेट जो तय करेंगे मतलब सरकार अपना रेट तय कर सकती है प्राइवेट के लिए मैंने बता दिया उन्होंने अप्लाई किया निन्यानवे रुपए पर यूनिट निन्नवे के बजाय पचास पैसे पर यूनिट पचास रुपए पर यूनिट के हिसाब से उनको स्वीकृति प्रदान कर दी नहीं लेकिन बिजली के क्षेत्र में तो मोनोपली है ना ऐसा तो नहीं होगा कि चार लाइनें खड़ी हो जाएंगी आप ही नहीं नहीं लाइनें अलग अलग -ला खड़े नहीं होंगी हो हाँ, लाइनें अलग अलग -ला खड़े तो, नहीं होंगी तो एक ही आदमी को जिसको सरकार निर्धारित कर देगी वही बिजली देगा और जिस दर पर सरकार डिसाइड कर देगी उसी दर पर बिजली लेनी पड़ेगी लोगों को हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार का तर्क है वो जैसे बी का बोला आपने ऐसे ही तर्क यहां दे रहे हैं कि प्राइवेट भी आएंगे और सरकार भी होंगे कंपिटिशन होगा रेट सस्ते होंगे रेट सस्ते कब होते हैं जब प्रोडक्शन ज्यादा हो और खपत कम हो यहां उल्टा सिस्टम हो रहा है मतलब यहां उत्पादन कम है नोइंगली जानपूछ करके प्राइवेट सेक्टर को उभारने के लिए तो इसलिए कंपटीशन लूट का होगा जो अभी एकाधिकार सरकार का है उस एकाधिकार को सरकार से हटाकर निजी हाथों में दे दिया जाएगा यही तो होगा पहले उसमें दिखाई नहीं देगा आपको ये आप ठीक समझ गए बात पहले दिखाई नहीं देगा थोड़े दिनों के बाद में क्या होगा कि जहां रेन लाइनोसिस कम है रिकवरी हंड्रेड है वो प्राइवेट के पास ला जाएगा हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा किसान आ जाएंगे तो छह महीने मुश्किल से ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन नहीं पकड़ेंगे और पूरी तरीके से मोनोपोली जैसे जियो की होगी उसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेट उसकी हो जाएगी ये बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है।, है तो अभी कल भारत बंद का आह्वान है तो क्या क्या करेंगे सर कल देखो देश की दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज फेडरेशन जो बड़ी एक हमारी फेडरेशन है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सेंटर के स्टेट के पी के सब लोग हड़ताल पर जा रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र में भी और किसानों ने ग्रामीण बंद का आह्वान किया है तो इसलिए इसमें जैसे औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर हैं वो स्ट्राइक करेंगे जुलूस वुलूस निकालेंगे और फिर एक जगह असेंबल होंगे पूरे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पर प्रोटेस्ट करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएंगे क्योंकि सरकार किसी की बात सुन नहीं रही है अब किसानों को आप देख रहे हैं मतलब हद की बात है मतलब कौन से सदी में हम रह रहे हैं ऐसे तो पाकिस्तान बॉर्डर पर अभी मैं जाकर के आया था बांग्लादेश के भी वहाँ त्रिपुरा में गया था उधर कहा था ये कांटेदार तारे लग रही है और यहां तो इतने लेयर बिछा रखी हैं कि कैसे आ सकते हैं वो लोग वो ये तो दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वो क्यों आ रहे हैं आपने दो साल पहले वायदा किया था राइटिंग में लिखित में आप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे सकते हो उसकी सिफारिश को लागू नहीं करोगे क्योंकि वो तो वोट दिलवाने की बात करेंगे उसने जो सिफारिश करी है उसकी बेटी का क्या कल, कल बयान आया है उसी की स्वामीनाथन की बेटी का कि ये आतंकवादी नहीं है क्रिमिनल नहीं है इनको आना दिया जाए इनकी बातों तो को सुना जाना चाहिए वो किसान बोल रहे हैं लेकिन उनको दिल्ली तक आने के लिए नहीं दिया जा रहा इसलिए वो किसान भी मजदूर भी कर्मचारी भी सब मिल करके सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को कहेंगे कि अडानी अंबानी की सरकार नहीं है ये कर्मचारियों की मजदूरों की गरीबों की महिलाओं की नौजवानों की किसानों की सरकार है जरा ये देश किसानों का इनका सबका मिला करके है इनकी बातों तो को सुना जाना चाहिए अगर सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर से फिर अगली कार्रवाई मतलब होगी डेमोक्रेटिक ट्रेड राइट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में सर्कुलर निकाल दिया कोई धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं कर सकता आप त्रिपुरा में जाकर के देखिए अलग अलग स्टेट में जाकर के देख ली हालत क्या बना रखी है आप हर एक उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर पर देखेंगे डीसी ऑफिस पर प्रोटेस्ट नहीं करोगे धारा एक सौ चौलीस लग रही है जंतर मंतर पर नहीं करोगे एक सौ चौवालीस लग रही है एक सौ चौवालीस तो परमानेंट लगा दी मतलब अपनी बात नहीं कह पाओगे रामलीला ग्राउंड में जाकर के देख लो जंतर मंत्र जाकर देख लो हम तो भुगत तो भोगी हैं इतना आसान नहीं है तीन नवंबर की हमारी रैली थी एक नवंबर को पुलिस अथॉरिटी हमें बुला करके शाम को करिए पांच सौ वॉलेंटियर की लिस्ट ला करके दो बाई नेम बाई नाम उनका ला करके मोबाइल नंबर समेत दो और सारी जो मेटल डिटेक्टर मशीन है वो आप लेकर के आओगे वो जो स्क्रीनिंग मशीन है वो आप लेकर के आओगे हमने कहा फिर सरकार क्या करेगी बोला सरकार कुछ नहीं करेगी सरकार केवल देखेगी कि आपने जितना लिख करके दिया है उतनी मशीनें आई हैं नहीं आई हैं? बीस लाख रुपए चाहिए कौन रैली करेगा जंतर मंतर पर हजार लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने देते हजार लोगों से ज्यादा और इतना आसान नहीं है मतलब वहां तक जाना हालत क्या बना रखी है वो जो महिला रेसलर थी उनके साथ क्या हुआ मतलब कोई भी तबका नंबर सबका आ रहा है चाहे किसान है नौजवान है महिलाएं हैं पहलवान हैं सब मतलब पिटाई हो रही है सब मर रहे हैं पर जिक्र नहीं कर रहे हैं नहीं जिक्र तो करेंगे वो जो चाशनी चढ़ा रखी है ना धर्म की जाति की वो जो चाशनी है धर्म का जो नशा है वो अफीम से भी ज़्यादा होता है उतरेगा लोगों का नशा क्योंकि रोटी रोजी रोटी पेट को तो चाहिए ना अब हालत महंगाई कितनी बढ़ रही है आसमान में छू रही है लेकिन सरकार करिए कोई महंगाई है ही नहीं दूसरी बात एक और बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम पांचवी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गए हैं बेशक बन गए हैं इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन थोड़ा सा अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो मेरे को भी एहसास होना चाहिए ना, यानी कि मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए अगर प्रति व्यक्ति आय में अगर देखेंगे प्रति व्यक्ति आय में देखेंगे तो हम एक सौ बयालीसवें नंबर दुनिया में हाँ अमेरिका सबसे मजबूत है उसकी अस्सी हजार पैंतीस अरब यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आए हैं और हमारी कितनी है छब्बीस यूएस डॉलर मतलब अंदाजा लगाओ मतलब ये ब्राजील है जर्मनी है जापान है ये सारे के सारे कनाडा है सब हमारे से ज्यादा हैं ये भी कैसे तर्क वो कुतर्क देते हैं कि भाई अमेरिका में तो पॉपुलेशन कम है चाइना में तो हमारे बराबर होगी उसकी पांच गुना ज्यादा है तीसरी भी बन जाओगे अगर ये ना होते कोई और होता तो भी बनना था पांचवा भी और तीसरा भी लेकिन प्रति व्यक्ति आए तो नहीं हमारी दूसरा एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अभी रिपोर्ट आई है।, है वो क्या करिए वो ये करिए एक सौ देशों में हमारा एक नंबर है नेपाल बांग्लादेश ये पाकिस्तान इनकी भी स्थिति हमारे से बेहतर है और एक आंकड़ा उसमें चौंकाने वाला है कि 15 से 24 साल की महिलाएं जो मानव संसाधन तैयार करते हैं अट्ठावन पॉइंट एक परसेंट खून की कमी है उनके अंदर जी ये तो इनकी रिपोर्ट है हालांकि ये कहेंगे कुछ नहीं है फालतू फाल पंडित की बातें हैं झुटला देंगे ये तो नहीं है हाँ वही संस्था को अगर इनके पक्ष मत दे देगी बात तो उसको पूरा प्रचारित करेंगे उसके पोस्टर छाप देंगे हाँ अब आप देखेंगे हम कह रहे पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए तो हमारे पीएम साहब कहते हैं ये तो पुरानी पेंशन बहाली पाप है इसको राज्य ना करें फिर खुद पाप क्यों कर रहे हैं एमएलएमपी सब उसी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं लेकिन हमारे लिए वो पाप है दूसरा आठवा पे कमीशन है जो जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होना है उसके लिए मना कर दिया कि उसका गठन नहीं होगा 18 महीने का महंगाई भत्ता डीए कोरोना काल में रोका था उसको नहीं देंगे पुरानी पेंशन के लिए पैसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट एंप्लाइज के रेगुलाइजेशन के पैसा नहीं एक करोड़ पौधों को भरने के लिए पैसा नहीं अठारह महीने का डी देने के लिए पैसा नहीं लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ही आंकड़े मेरे आंकड़े तो नहीं है लगभग साढ़े सत्रह लाख करोड़ रुपए पिछले दस सालों में बड़े पूंजीपतियों के राइट ऑफ कर दिए कारपोरेट टैक्स तीस परसेंट था घटा करके बाईस परसेंट ले आए सड़सठ हजार करोड़ से ज्यादा बैंकों से पैसा लेकर के भाग गए उनके लिए सब कुछ है पेट्रोल डीजल अब जैसे ये यूक्रेन का रशिया का जो युद्ध चल रहा है हिंदुस्तान के तो मजे आ रहे हैं हम पेट्रोल सस्ता खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं लेकिन उससे जो फायदा हो रहा है उसका फायदा आम कंज्यूमर को तो नहीं मिल रहा अब हो जाएगा इलेक्शन से पहले घटा देंगे हां आम कंज्यूमर को नहीं मिल रहा उसका जो वहां से हमारे पास पैसा बच रहा है प्लस खाने पीने की चीजों पर एक बड़ा चौकने वाला आंकड़ा है ऑक्सीजन की एक रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि एक प्रतिशत जो सबसे धनी लोग हैं सौरभ जी यह बहुत बड़ी बात एक प्रतिशत लोग टोटल धन दौलत का चालीस परसेंट के मालिक है एक परसेंट दूसरा केवल दस कार्पोरेट घराने उन्होंने सत्तावन परसेंट के मालिक हैं और एक सौ चालीस करोड़ में से सत्तर करोड़ लोग केवल तीन परसेंट के मालिक हैं और ये तीन परसेंट सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं ये है इस देश की हालत है। और हम कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु बनने वाले हैं क्लासरूम में गुरु नहीं कॉलेज में गुरु नहीं बगैर गुरु ही विश्वगुरु बन रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए हम ये जो कल की हड़ताल है ये जो सारे मुद्दे हैं इसको उठा रहे हैं सारे शर्म कानून खत्म कर दिए चार लेबर कोड बना दिए एक बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने दर्शकों के सामने उठा रहा हूं जी अब हमारे सामने दो शिफ्ट आ गई बारह बारह घंटे की प्राइवेट सेक्टर में हम यहां रहते हैं पहले क्या था तीन शिफ्ट थी अगर तीन शिफ्ट दो शिफ्ट की तीन कर दें तो तीसरे हिस्से के बेरोजगार रोजगार मिल सकता है तो क्या तकलीफ सरकार को क्यों नहीं करती क्योंकि पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते उनके मुनाफे कम हो जाएंगे मतलब इनकी चिंता नहीं है कि उनसे वोट डालते हैं इनकी चिंता नहीं है चिंता उनकी है मतलब कारपोरेट उसके लिए टैक्स भी माफ़ कर रहे हैं कर्जों को भी राइट ऑफ कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इनके लिए नहीं है कहने के लिए है भाइयों और बहनों मित्रों या गरीबों की सरकार है तो ये गरीबों से जीएसटी लेते हैं और बड़े पूंजीपतियों को देते हैं ये बिल्कुल आपके हमारे सबके सामने है तो इसलिए बड़ी नाराज़गी है कर्मचारियों में मजदूरों में व्यापारियों में और किसानों में और कल पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे हड़ताल करेंगे अब आप देखेंगे साढ़े चौदह सौ के करीब बसें हरियाणा रोडवेज की सोलह तारीख को कोई कार्यक्रम है रेवाड़ी में उसके प्रधान, लिए प्रधानमंत्री उसके प्रधान लिए लगा दिया कि के, के लिए बसों में भर के लेकर के आओ वो बसें जो हैं वो जनता आम नागरिक के लिए हैं कि के, के लिए हैं भले ही आप कहे में हम इनको पेमेंट कर देंगे लेकिन पेमेंट की बात नहीं है आप हमारे पास तीन हजार से कम बसें हैं फिफ्टी परसेंट आपने रैली में लगा दी बाकी लोग क्या कहाँ कैसे जाएंगे इसके बारे में कोई नहीं सोचा है कोई बात नहीं करेगा अगर कोई बात करेगा तो उसके अलग अलग संज्ञाएं आजकल दे देते हैं ताकि बोल देवा न जाए तो इसलिए बड़े सीरियस इशू हैं इसको लेकर के कल लोग सड़कों पर उतरेंगे कल कर्मचारी खासतौर से कर्मचारी और किसान कर्मचारी किसान मजदूर पूरे देश में करोड़ों की तादाद में मतलब जा रहे हैं बड़ा मतलब एक ये एक्शन है तो इसलिए हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि देखो हमने तो कोई पॉलिटिक्स करनी नहीं ये मुद्दे हमारे हैं बातचीत से इनका समाधान किया जाए और अगर सरकार बातचीत से समाधान नहीं करेंगे तो हम भी जनता के बीच में जाएंगे और सरकार भी जनता के बीच में जा रही है हम अपने मुद्दों को बताएंगे कि बस पब्लिक सेक्टर को क्या हो रहा है आपकी सेवाओं किस तरीके से प्रभावित होंगी पर आपके जाने में तो बीस लाख का खर्चा अड़ा दिया ना कोई बात नहीं बीस लाख वाली जगह नहीं जाएंगे जहां ये जाएंगे जनता के बीच में हम भी वहीं चले जाएंगे लोगों कहेंगे ना कि आपके लिए पास वोट लेने के लिए आएंगे तो आप इन मुद्दों से बात तो करो कि बिजली प्राइवेट जाएगा तो मेरा क्या हालत बनेगी मेरी क्या हालत एजुकेशन प्राइवेट जाएगी तो मेरी क्या हालत बनेगी हेल्थ प्राइवेट जाएगा तो मेरी क्या हालत बनेगी हेल्थ में आप देखेंगे ना लगभग तीस हजार कर्मचारी हैं और केवल वन थर्ड से भी कम रेगुलर हैं सारा का सारा प्राइवेट है आउटसोर्स अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया मतलब पहले हम इंतजार करते थे कि ये रेगुलर हो जाएंगे लेकिन उसमें तो बिल्कुल साफ लिख रखा है कि रेगुलर नहीं होंगे। और देखो कितनी मजेदार बात है सरकार कह रही हम जो है ना इसराइल में भेजेंगे यहां मतलब रोजगार नहीं है मरने के लिए इसराइल भेज देंगे अरे वो इसराइल का जो युद्ध हो रहा है वहां फिलिस्तीन का हमेशा हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे आज तुम तो उसे मौके पर उन लोगों के पास जो हम के उधर के जो लोग लेबर आई थी वो वापस चली गई उनके सामने दिक्कत हो रही है हम उनके मदद मतलब में खड़े हुए हैं तो ये कैसी मदद मतलब है अपने हर रोजगार क्यों नहीं दे रहे अपने हर रोजगार तो आपने वायदा किया था उसकी बजाय आप दूसरी तरफ मतलब विदेश में दे रहे हैं विदेश में दे रहे हैं वहां मरने के लिए मतलब भेज रहे हैं उनके इंटरव्यू देखे होंगे आपने मैंने भी देखे हैं उससे पूछा भाई वहां तो युद्ध चल रहा है बोला जी हाँ युद्ध चल रहा है बोला मारे जाओगे बोला यहाँ भी मरेंगे यहां भूखे मरेंगे वहां वैसे मरेंगे हमने तो मरना ही है मतलब ये है यूथ का हालत आई आई पास आउट स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रही और पता नहीं कौन से विश्व गुरु की और पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे कैसे सपने दिखा रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के नेता बन गए हम तो कैसे नेता बन रहे हैं कैसे हो रहे धरातल बद कुछ है नहीं, नहीं। तो इसलिए गुस्सा है आक्रोश है और वो आक्रोश कल की उसका आक्रोश का प्रकटीकरण कल सड़कों पर पूरे देश में दिखाई देगा देखने को मिलेगा लाम्बा जी हमारे साथ बात करने के लिए हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं नहीं धन्यवाद जी आपने भी हमारे को मौका दिया कि हम अपनी बात आपको दर्शकों तक पहुंचाएं और दर्शक इस बात को समझें कि ये जो लड़ाई है ये हमारे वेतन भत्तों की बढ़ोतरी नहीं है इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए है डेमोक्रेटिक ट्रेन और टैक्स बचाने के लिए है इस देश को बचाने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं केवल वेतन भत्तों की लड़ाई नहीं है इसलिए पूरे जनता से हमारी अपील है कल की हड़ताल को सपोर्ट करो इन मुद्दों को भी हमारा समर्थन करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है धन्यवाद तो अभी आप सुन रहे थे सुभाष लांबा जी को और व्यू एफ स्टूडियो के पॉडकास्ट में आप सभी को ऐसे ही और महत्वपूर्ण शख्सियतों के साथ हम लोग मिलवाते रहेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद